दोस्तों स्वागत है आपका यहाँ पर आईपीएल 2018 के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आती हुई, जहाँ पर उनका एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी जो है वो आईपीएल 2018 से बाहर हो चुका है। क्या है दोस्तों पूरी खबर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आईपीएल 2018 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए, और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे आईपीएल 2018 से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले। दोस्तों आईपीएल 2018 से दो प्लेयर पहले ही बहुत बड़े बड़े बाहर हो चुके हैं, मिचेल सेंटनर और जेसन बेरेंडॉफ। और यहां पर तीसरी बड़ी खबर आती हुई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, जहां पर दोस्तों इंजर्ड नथन कुल्टर नायल आईपीएल 2018 से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, नथन कुल्टर नायल आईपीएल 2018 से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं और उनको रिप्लेस किया है कोरी एंडरसन ने। न्यूजीलैंड के एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने रिप्लेस किया है नथन कुल्टर नायल को। तो सबसे बड़ी यहां पर इंजरी अपडेट आती हुई आईपीएल 2018 के लिए, जहां पर दोस्तों नथन कुल्टर नायल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्लेयर आईपीएल 2018 से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केकेआर की तरफ से पिछले साल खेले थे और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा था इनका केकेआर के लिए, जहां पर 15 विकेट इन्होंने लिए थे और बहुत ही अच्छी इकॉनमी रही थी इनकी। और आईपीएल 2018 से पहले यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं नथन कुल्टर नायल। तो दोस्तों बहुत ही बुरी खबर यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए और आईपीएल के लिए। और दोस्तों रिप्लेसमेंट की बात करें तो कोरी एंडरसन ने रिप्लेस किया है नथन कुल्टर नायल को। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप भी दुख है कि दोस्तों नथन कुल्टर नायल बाहर हो चुके हैं आईपीएल 2018 से, हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आईपीएल 2018 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए।